ये तस्वीरें हैं मुंबई के मशहूर इलाके दादर की। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन ये बारिश राहत से ज्यादा लोगों के लिए आफत बन गई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ये पानी इतना है जिसमें बसों से लेकर कारों तक का गुजरना मुश्किल हो रहा है। फिर ऐसे में दुपहिया वाहन चलाने वालों की क्या हालत होगी समझ सकते हैं। घुटनों घुटनों तक पानी में ही लोगों को अपनी रोजमर्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए निकलना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा की स्थिति भी बेहतर नजर नहीं आ रही है। हालांकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बाहर भी निकले हैं और इनकी यही जद्दोजहद है कि किसी तरह वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। ये अपने जो मुख्यमंत्री का घर है ना, इसके पीछे जो रास्ता था उधर से आया, उधर बहुत सारे खड्डे वगैरह थे और बारिश का टाइम के हिसाब से जाना खड्डे इतने पड़ गए कि बहुत ट्रैफिक मिला कम से कम इधर आने के लिए। लबालब पानी से भरी ये सड़क है हिंद माता जंक्शन की। भारी बारिश के चलते यहाँ जबरदस्त जल भराव हो गया है। इसी जल भराव के बीच से गाड़ियां भी गुजर रही हैं और लोग भी जैसे तैसे गुजर रहे हैं। जल भराव की वजह से किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए यहां पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। भारी बारिश के बाद कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति होना आम बात रही है। मुंबई के कलानगर फ्लाईओवर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रैफिक की स्थिति क्या है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लंबे जाम की वजह से लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। जाम में फंसे कई लोग ऑफिस जाने के लिए निकले थे, कई लोग अस्पताल जाने के लिए निकले थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से ये लोग समय पर नहीं पहुंच सके। आम जनता को तकलीफ हो रही है कि मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रोड की हालत बहुत ख़राब है और रोड पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे जाओगे आप वहीं पे सिग्नल पे बहुत खड्डे हो गए रोड साइड में, रोड के बीच में। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की एक और इलाके सायन की हालत क्या है उसका अंदाज़ा आप ये तस्वीरें देख कर लगा सकते हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसी पानी के बीच से होकर लोग भी गुजर रहे हैं और गाड़ियां भी गुजर रही हैं। बीएमसी की तरफ से जल भराव की स्थिति से निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें मुंबई के खांडेश्वर रेलवे स्टेशन की हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मूसलाधार बारिश हुई होगी। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के सबवे में भी पानी भरा हुआ है। लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि पानी निकालने के लिए यहाँ पंप भी लगाए गए हैं। अजनबी मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश हुई है, लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज मैं सुबह काम पे निकली थी तभी बारिश कम था, पर शाम को जब काम से लौटी थी तब 4 घंटा मुझे पनवेल से खांडेश्वर स्टेशन आने में लगा। मुंबई के एक और इलाके बडाला में भी भारी बारिश ने स्थिति विकट बना दी है। यहाँ ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं तो नहीं है, लेकिन सड़कों पर पानी भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश से होने वाली समस्या से मुंबईकर को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। बारिश के चलते रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जल भराव की स्थिति का सामना कर रहा ये इलाका है मुंबई का चेंबूर। जगह जगह पानी भरने की वजह से यहाँ भी स्थिति असामान्य हो गई है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं यातायात व्यवस्था भी चरमरा कर रह गई है।
भारी बारिश के चलते मुंबई को किसी विकट स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी आपदा प्रबंधन कक्ष का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया, ताकि मुंबईकर की परेशानियों को कम किया जा सके।